डियर स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे यहाँ पे एसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ चुके थे, आज बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर एसाइक्लिक जो कंपाउंड्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड होता है, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड, यानी कि संतृप्त यौगिक और दूसरा क्या होता है? असंतृप्त यौगिक। तो यानी आज का जो टॉपिक रहेगा अचक्रीय यौगिकों के प्रकार। तो देखिएगा यहां से अचक्रीय यौगिकों के प्रकार, तो डियर स्टूडेंट अचक्रीय यौगिक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के पढ़ेंगे यहां से? दो प्रकार के, पहला संतृप्त और दूसरा पढ़ेंगे यहां से असंतृप्त। तो मैं पहली बात कर लेता हूं संतृप्त यौगिक। संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड। तो इसका मतलब यहां से क्या है? वे कार्बनिक यौगिक। संतृप्त में कौन आता है? एल्केन। सिंपल सी परिभाषा यहां पे कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है उन्हें क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहा जाता है, यानी कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित नहीं होता है इस प्रकार के यौगिकों में। यानी कि कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य ओनली सिंगल बॉन्ड ही उपस्थित है तो यौगिक कैसा कहलाएगा? आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाएगा। देखिए यहां पे संतृप्त में एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पे लिखा जैसे CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, C4H10 है, C5H12। यानी कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य इसको मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा इसको? भाई CH4 है, इसका मतलब मैथेन है, ऐसे लिखा जाएगा। ये C2H6 को मैं कैसे लिख सकता हूं? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका मतलब ये क्या है? आपका एथेन। ऐसे ही मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बॉन्ड उपस्थित है तो ये कैसे यौगिक कहलाते हैं? संतृप्त, जैसे प्रोपेन। ऐसे ही मैं इसको लिखना चाहूँ यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या है यहाँ पे? ब्यूटेन। और ऐसे मैं इसको लिखना चाहूँ यहाँ पे CH3CH2CH2CH2CH3, ये है आपका पेंटेन। यानी कार्बन कार्बन प्रत्येक कार्बन परमाणु के मध्य में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड उपस्थित है। सिंगल बॉन्ड उपस्थित है तो यौगिक कैसे कहलाएगा? आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं दूसरे टाइप की बात करूं असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड, डियर स्टूडेंट इसमें होगा क्या कि समझने के लिए यहां पे कार्बन और कार्बन के मध्य क्या मिले, या तो डबल बॉन्ड उपस्थित हो या कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या उपस्थित हो, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, यौगिक कैसा कहलाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाएगा। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है उन्हें क्या कहा जाता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहा जाता है, जिनके एग्जाम्पल होते हैं एल्कीन और एल्काइन। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा ब्यूटेन, ब्यूट टू इन। इसका मतलब यहाँ पे देखो ब्यूट टू इन को कैसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ये वाला यौगिक है आपके पास, इसका जो IUPAC नेम है वो क्या है? ब्यूट टू इन है। तो यानी कुल मिला के यहाँ पे देखना है कि कार्बन कार्बन दोनों कार्बन परमाणु के मध्य ये क्या उपस्थित है? डबल बॉन्ड उपस्थित है तो यौगिक कैसा कहलाएगा? ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाएगा। कैसा यौगिक कहलाएगा? असंतृप्त।
इसी प्रकार से मैंने दूसरे एग्जांपल लिखा यहां से एलिल एल्कोहल, एलिल एल्कोहल, एलिल जो एल्कोहल है इसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसको कैसा एल्कोहल बोलते हैं, एलिल एल्कोहल। तो एलिल एल्कोहल के अंदर भी आप देखेंगे तो देखो दोनों कार्बन परमाणु के मध्य ये क्या उपस्थित है, डबल बॉन्ड उपस्थित है, यौगिक कैसा कहलाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाएगा। उसी प्रकार से मैं थर्ड एग्जांपल लिखा मैंने एक्रिलिक अम्ल, एक्रिलिक अम्ल, एक्रिलिक जो अम्ल है उसका मतलब यहां पे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OOH, इस यौगिक का नाम होता है एक्रिलिक एसिड। इस एक्रिलिक एसिड के अंदर भी दोनों कार्बन परमाणु जो हैं इसके मध्य क्या उपस्थित है, ये डबल बॉन्ड उपस्थित है, यौगिक कैसा कहलाएगा, ये भी असंतृप्त कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट क्लियर है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या हो, डबल बॉन्ड उपस्थित हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित। अब ट्रिपल बॉन्ड की बात मैंने यहां पे की कि एग्जांपल है आपके पास एसिड एथाइन का, एथाइन यानी कि एथाइन का मतलब यहां पे क्या है, देखो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो देखो ये वाला यौगिक है एथाइन बोलते हैं, तो देखो दोनों कार्बन परमाणु के मध्य क्या उपस्थित है, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है, तो भी यौगिक कैसा कहलाएगा, ये असंतृप्त यौगिक कहलाएगा। क्लियर है यहां पे, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य या तो डबल बॉन्ड उपस्थित हो या कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है, तो इस प्रकार के जो कंपाउंड है वो किस में शामिल किए जाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों में शामिल किए जाते हैं। तो ये आपका अचक्रीय जो है फिनिश हो गया, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे चक्रीय यौगिक। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा पढ़ेंगे, चक्रीय यौगिक। अब चक्रीय यौगिकों में क्या होता है, रिंग जिनके अंदर बनती है वो यौगिक के कहलाते हैं चक्रीय यौगिक। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़ जाएं और जुड़कर क्या बना ले, एक वलयनुमा संरचना का निर्माण कर ले, तो इस प्रकार के यौगिक जो है उन्हें क्या कहा जाता है, चक्रीय यौगिक कहा जाता है। जैसे चक्रीय यौगिकों के अंदर मैंने साइक्लोप्रोपेन है, देखो यहाँ पे कार्बन ये वाला कार्बन है, ये इस प्रकार से जुड़ जाए, इससे जुड़ जाए यहाँ से ये कार्बन, और ये आपस में क्या बना लिया यहाँ पे एक रिंग के रूप में जुड़ गए इस प्रकार से, यानी कि रिंग नुमा, यानी कि इसको मैं इस प्रकार से भी शो कर सकता हूँ, एक रिंग नुमा संरचना बनती है, इस प्रकार का जो यौगिक है वो क्या कहलाएगा आपका, चक्रीय यौगिक। सिंपल सी परिभाषा है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़ जाए और जुड़कर क्या बना ले, एक क्लोज चेन यानी कि बंद संरचना या वलयनुमा संरचना का निर्माण कर ले, तो इन्हें क्या कहा जाता है, चक्रीय यौगिक कहा जाता है। और ये जो चक्रीय यौगिक जो होते हैं वो कितने प्रकार के बन सकते हैं, यहां से टू टाइप्स के बन सकते हैं। पहला कौन सा पढ़ेंगे यहां पे, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और दूसरा कौन सा पढ़ेंगे यहां से, एरोमेटिक, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक क्या होता है और एरोमेटिक क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी है।